वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। एक मूवी जिसकी पूरी कहानी एक छोटे से मोटेल के अंदर होती है, क्या वो इंटरेस्टिंग हो सकती है, थ्रिलिंग हो सकती है? हाँ, मुश्किल है ना। लेकिन आज जो मूवी आपके लिए हम लेकर आए हैं, वैसे कन्वेंशंस और रूल्स को चकनाचूर करके रख देगी, ये हमारा दावा है दोस्तों। और अगर आपने लियो मूवी का हिंदी वर्जन देखा है तो आपको वो कॉफी शॉप वाली फाइट सीन तो जरूर याद होगी, जो कि इस मूवी के बेहतरीन सीन्स में से एक कहा जा सकता है। लेकिन अगर वो सीन एक पूरी मूवी का आधार बन जाए तो कैसा रहेगा, यही आपको आज की मूवी में देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, एक हाईवे पर बना एक मोटेल जिसके आसपास और कोई बिल्डिंग नहीं है, दो आदमी एक बड़े बैंक को लूट कर आते हैं और इस मोटेल को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। लेकिन बैंक लूटकर भाग जाने के बजाय ये लोग इस मोटेल में क्यों आए और यहाँ पर करने क्या वाले हैं, यही तो है आज की कहानी, जो इतनी इंटरेस्टिंग और थ्रिलिंग तरीके से दिखाई गई है कि इस मूवी में कि आप सीट एच पर बैठे इस मूवी का हर सीन इंतजार करेंगे। तो इंतजार किस बात का, आइए देखते हैं 2023 में रिलीज हुई मूवी जिसका नाम है द लास्ट स्टॉप इन यूमा काउंटी। वीडियो को एंड तक देखिए दोस्तों, और लाइक और शेयर और कमेंट्स कीजिए, क्योंकि कमेंट्स करने से ही हमें थोड़ा अच्छा लगेगा। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए चलते हैं इस मूवी के अंदर, जो कि 1970 के समय की कहानी है। मूवी की शुरुआत में एक सुनसान हाईवे को दिखाते हैं जहाँ पर एक अकेला पेट्रोल बंक है। मूवी का हीरो जिसका नाम चिन है, वो वहाँ कार में आता है, जाहिर है पेट्रोल भराने के लिए यहाँ पर आया होगा। और तभी हमें एक चिड़िया दिखाई जाती है दोस्तों, जो वहाँ से उठ जाती है। पेट्रोल बंक का अटेंडेंट जिसका नाम वॉल्टर है, वो कहता है कि पेट्रोल स्टॉक तो है नहीं हमारे पास, आज एक्चुअली पेट्रोल ट्रक आने में देर लगेगी, तब तक एक काम करिए आप इंतजार करिए। अब दोस्तों जिम पूछता है कि आगे और कोई पेट्रोल बंक है क्या, वो कहता है नहीं, अगला पेट्रोल बंक यहाँ से बिल्कुल 100 मील की दूरी पर है। अब ये सुनकर जिम परेशान हो जाता है कि आप बताओ क्या करूं, कैसे जाऊं आगे। अब उसका कंफ्यूजन देखकर वो वॉल्टर कहता है कि सुनिए, पेट्रोल बंक के ठीक पीछे हमारा एक मोटेल है, आप वहां पर वेट कीजिए, थोड़ी देर में ट्रक आ जाएगा और फिर आप यहां पर आकर पेट्रोल डाल लेना। हाँ, जिम के पास और कोई चारा तो नहीं होता, तो वो उस मोटेल में जाकर कार को पार कर लेता है। एंड तब वो नोटिस करता है कि मोटेल अभी तक खुला ही नहीं, ये क्या मुसीबत है यार। खैर जरा रेडियो ही सुन लिया चाहिए, सोचकर वो रेडियो ऑन करता है, जिसमें न्यूज में बताते हैं कि इस इलाके के एक बड़े बैंक में रॉबरी हुई है और लुटेरे एक ग्रीन कलर की फोर्ड पिंटो कार में बच निकले और उनकी कार पीछे से डैमेज्ड भी है। तभी दोस्तों एक शेरिफ की कार वहां रुक जाती है, शेरिफ यानी उस इलाके का पुलिस ऑफिसर। जिम को लगता है कि शायद उस बैंक रॉबरी के बारे में पता लगाने ही ये यहां पर आए हैं। लेकिन दोस्तों कार में से एक औरत उतरती है, जो कि इस मूवी की हीरोइन भी है, जिसका नाम है शार्लेट। यही इस मोटेल को चलाती है दोस्तों। असल में ये इस शेरिफ की वाइफ है, जिसे ड्रॉप करने के लिए शेरिफ यहां पर आया है। अब ड्रॉप करके तो शेरिफ चला जाता है, तो जिम मोटेल के अंदर आता है। यहाँ से सीधे हाईवे में एक ग्रीन कलर की फोर्ड पिंटो कार को दिखाते हैं, और हाईवे के साइड पर ना एक ऑरेंज कलर का ट्रक उलटकर पड़ा होता है, और यहीं पर इस मूवी का टाइटल द लास्ट स्टॉप इन यूमा काउंटी डालकर मूवी होती है शुरू। अब मोटेल के अंदर दिखाते हैं कि जिम शार्लेट से लगातार सवाल किए जा रहा है कि मैडम ये पेट्रोल ट्रक कब तक आएगा, हमेशा लेट आता है क्या। शार्लेट कहती है पता नहीं सर, हमेशा तो जल्दी आ जाता है, शायद हो सकता है आज कोई प्रॉब्लम हो गई होगी, वैसे लगता है आपको कहीं जाने की बहुत ही जल्दी है। तब जिम बताता है कि हाँ मेरी एक बेटी है, उसका नाम सारा है और आज उसका बर्थडे है, इसलिए अगर आज का दिन मैं उसके साथ नहीं बिता पाया तो उसको बहुत बुरा लगेगा। वैसे मैं चाकू का सेल्स करता हूँ, उसमें उतना पैसा कहाँ आता है आपको भी पता है, इसलिए मैं अपने परिवार को ठीक से चला नहीं पाया और मेरी वाइफ ने मुझे डाइवोर्स दे दिया, मेरी बेटी उसी के साथ रहती है। ये सुनकर दोस्तों शार्लेट जिम की बेटी के लिए केक लेकर आती है और कहती है सुनो मेरी तरफ से उसे हैप्पी बर्थडे कहिएगा। इस पर दोस्तों जिम अपना एक बॉक्स खोलता है जिसमें तरह तरह के चाकू होते हैं और वो कहता है देखिए आपके लिए मैं डिस्काउंट भी दे सकता हूँ, पर शार्लेट कहती है फिलहाल मुझे चाकू नहीं चाहिए, आप बॉक्स बंद कर दीजिए प्लीज, और जब तक पेट्रोल ट्रक नहीं आ जाता आप ये न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए। और दोस्तों तभी मोटेल के आगे जो पेट्रोल बंक है ना, उसमें एक ग्रीन कलर की कार आकर रुकती है। जी हाँ दोस्तों, ये उन्हीं रॉबर्ट्स की कार है। उस कार में बैठे हैं वो दो रॉबर्ट्स, व्हाइट टी शर्ट वाले का नाम है ट्रेविस और ब्लैक जैकेट में जो रॉबर है उसका नाम है जॉन। वॉल्टर इन्हें भी वही बताता है कि देखिए पेट्रोल ट्रक आने में अभी टाइम लगेगा तो थोड़ा इंतजार कीजिए। और दोस्तों जिम की तरह ये दोनों भी दुविधा में हैं, क्योंकि अगर यहाँ पेट्रोल नहीं मिला तो शायद 100 मील तक इनकी गाड़ी नहीं चलेगी, इसीलिए इनके पास भी मोटेल में जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। एंड वो मोटेल के आगे कार पार करके अंदर चले जाते हैं और कॉफी ऑर्डर करके एक टेबल पर बैठ जाते हैं। पर दोस्तों इसी बीच जिम उनकी कार को देख लेता है जिसका पिछला हिस्सा डैमेज्ड है, और वो तुरंत समझ जाता है कि ये तो वही बैंक रॉबर्ट्स हैं। अब कुछ ऑर्डर करने के बहाने वो शार्लेट को बुलाता है और कहता है सुबह न्यूज सुनी थी क्या आपने, ये दोनों बैंक रॉबर्ट्स वही हैं।
हमें तुरंत पुलिस को कॉल करना चाहिए। इस तरह दोस्तों वो फुसफुसाने लग जाता है, लेकिन जॉन उसे नोटिस कर लेता है और वो ट्रेविस को बताता है कि जरूर इन्हें हमारे बारे में कुछ तो पता चल चुका है। इसी बीच दोस्तों शार्लेट उठकर फोन के पास जाती है और वो अपने हस्बैंड यानी शेरिफ को कॉल कर भी देती है, लेकिन इससे पहले कि वो शेरिफ को कुछ बता पाए, जॉन शार्लेट के सर पे गन रखकर कहता है कि समझ जाओ। एंड वो भी समझ जाती है कि अगर उसने एक भी शब्द कहा तो वो शूट कर देगा। शार्लेट बिना कुछ कहे फोन रख देती है। अब वो जिम और शार्लेट को गन पॉइंट पर पकड़ लेते हैं। वो कहते हैं कि सुनो, यहाँ से बचने के लिए हमें कोई दूसरी कार चाहिए, लेकिन शार्लेट के पास तो कार है नहीं और जिम की कार में भी फिलहाल पेट्रोल नहीं है। अब वो पूछते हैं कि उस पेट्रोल बंक में जो अटेंडेंट था उसके पास कार है क्या। शार्लेट कहती है नहीं, मतलब दोस्तों अब जब तक पेट्रोल ट्रक नहीं आ जाता इनके बचने का कोई चांस ही नहीं है। अब जिम और शार्लेट को पता चल चुका है कि ये दोनों ही वो बैंक रॉबर्ट्स हैं, पर वाल्टर को ये बात पता नहीं होती और जॉन इन दोनों को धमकाता है कि जब तक पेट्रोल ट्रक आ नहीं जाता तब तक तुम दोनों को एकदम नॉर्मल रहना है और अपना काम करते रहना है चुपचाप। अगर तुमने ऐसा किया तो हम चुपचाप पेट्रोल भरवा कर यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन अगर तुमने कोई होशियारी दिखाने की सोची तो तुम दोनों की जान चली जाएगी, ध्यान रहे इस बात का। ये कहकर वो टेलीफोन का वायर भी काट देता है। शार्लेट डर कर अपनी जगह पर जाकर खड़ी हो जाती है, उसे बहुत डर लगता है। ये दोनों रॉबर्ट्स चुपचाप अपने टेबल पर बैठ जाते हैं। कुछ देर में दोस्तों वहाँ पर एक बुजुर्ग कपल आता है। जिम को बड़ी फिक्र होती है कि इन बुजुर्गों को अभी आना था क्या। शार्लेट किसी तरह इस कपल को बचाने के इरादे से कहती है, देखिए यहाँ पर एसी काम नहीं कर रहा है, आप जरा बाहर वेट करेंगे क्या। पर वो कहते हैं कि बाहर की गर्मी से तो यही बेहतर है अंदर, तुम फिक्र मत करो हम मैनेज कर लेंगे। ये कहकर दोस्तों वो अंदर ही बैठ जाते हैं। अब यहाँ से बाहर दिखाते हैं कि हाईवे पर एक और पुलिस ऑफिसर की कार आ रही है, इसका नाम ग्रेविन है। तब शरीफ उसे कॉल करके कहता है कि सुनो, मेरी वाइफ ने मुझे कॉल किया था लेकिन कुछ कहने से पहले कॉल कट हो गया, एक काम करो वहाँ पर जाकर देखो कि सब कुछ ठीक है या फिर नहीं, और हाँ आते वक्त हम तीनों के लिए कॉफी लेकर जरूर आना। यस सर। ये कहकर दोस्तों वो कॉल कट कर देता है। यहाँ मोटेल में जॉन ट्रेविस से कहता है कि मुझे इस औरत पर विश्वास नहीं हो रहा, तुम जाकर उस वाल्टर से पता लगाओ क्या उसके पास वाकई में कार है या नहीं। ट्रेविस भी जाकर वाल्टर से पूछ लेता है तो वो कहता है मुझे कार की क्या जरूरत है बताओ, मैं तो यहीं पर रहता हूँ, मेरी जरूरत की हर चीज यहाँ पर मिल जाती है। ट्रेविस कहता है कि ठीक है, क्या मैं तुम्हारा बाथरूम यूज कर लूँ। वो भी कहता है कि हाँ कर लो, इसमें क्या दिक्कत है, लेकिन ठीक से फ्लश कर देना। ट्रेविस वाल्टर के बाथरूम में जाता है दोस्तों। इसी बीच ग्रेविन भी मोटेल के अंदर आ जाता है। उसको देखकर जॉन तुरंत गन निकालने वाला होता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि वो तो सिर्फ कॉफी खरीदने आया है तो वो गन को अंदर रख लेता है। ग्रेविन शार्लेट से पूछता है कि तुम्हारे पति शेरिफ ने कहा था कि तुम्हारा कॉल कट हो गया, तुम कुछ बता रही थी, बहुत जरूरी बात थी क्या कोई। अब शार्लेट तो उसे कुछ बता नहीं पाती तो वो कहती है कि पेट्रोल ट्रक अभी तक नहीं आया तो यहाँ आज शायद कस्टमर ज्यादा आएंगे, इसलिए मैं बताना चाहती थी कि आज मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी। ग्रेविन कहता है ठीक है कोई बात नहीं, एक काम करिए मेरे लिए 3 कॉफी पार्सल कर दीजिए। अब शार्लेट उसके लिए कॉफी बनाने लग जाती है और वो किसी तरह अपने पति को मैसेज देना चाहती है और एक कॉफी में दोस्तों जरूरत से ज्यादा चीनी डालती है और उसके ढक्कन पर हेल्प में लिखकर वो ग्रेविन को दे देती है। पर जॉन ये नोटिस कर लेता है और शार्लेट से पूछता है कि तुमने वो उस कप में क्या लिखा अभी बताओ। एन वक्त पर शार्लेट को कुछ सोचता है और वो छट से कह देती है एक्चुअली मेरे हस्बैंड को चीनी बिल्कुल पसंद नहीं है ना, इसलिए एक कप में मैंने लिखा था ये शुगरलेस है। दोस्तों अगर आप जॉन होते तो क्या शार्लेट का ये जवाब आपको कन्विंसिंग लगता या आपको उस पर शक होता, कमेंट्स में बताइए, क्योंकि आप भी तो इतनी मूवी देख चुके हैं ताकि हमें भी तो पता चले कितने लोग स्मार्ट हैं मूवी देखने में। वैसे यहाँ पर तो लगता है कि जॉन कन्विंस हो गया है और वो जाकर अपने टेबल पर तुरंत बैठ जाता है। इतने में ट्रेविस वाटर का बाथरूम यूज करके वापस मोटेल की तरफ आता ही है और जैसे ही वो अंदर ग्रेविन को देखता है तो तुरंत अपनी गन निकाल लेता है। जिम उसे इशारा करता है कि अबे बेकार में खून खराबा मत करो, पुलिस ऑफिसर सिर्फ कॉफी लेने के लिए आया है। एंड वो भी इशारा समझकर गन अंदर रख लेता है और मोटेल के अंदर जाने वाला होता है कि ग्रेविन बाहर आ जाता है और उससे टकरा जाता है, इस वजह से उस पर कॉफी गिर जाती है। एंड दोस्तों शार्लेट ने उसी में मैसेज लिखा था लेकिन वो भी वेस्ट हो गया। ग्रेविन फिर अंदर जाकर शार्लेट को कॉफी बनाने को कहता है, पर शार्लेट हार नहीं मानती दोस्तों और इस बार भी वो एक कप में मैसेज लिखने के लिए मार्कर ढूंढती है, लेकिन मार्कर पता नहीं कहां गायब हो गया इन टाइम पर। असल में दोस्तों जॉन ने मार्कर चुरा लिया था क्योंकि इस बार वो कोई चांस ही नहीं लेना चाहता। फिर कॉफी लेकर ग्रेविन भी चला जाता है। इसी बीच वाल्टर अचानक दरवाजा खोलकर अंदर आता है और कहता है मैंने अभी हेड ऑफिस को कॉल किया है, मुझे पता चला कि पेट्रोल बंक के आने में कम से कम 1 घंटा तो लगेगा और अगर 1 घंटे के अंदर वो ट्रक नहीं आया तो वो दूसरा पेट्रोल ट्रक भेजेंगे। वैसे दोस्तों वहां पर बैठे लोग परेशान हो जाते हैं कि सिर्फ पेट्रोल के लिए 1 घंटा यहीं पर रुकना पड़ रहा है बताओ। तो अब वाल्टर शार्लेट से कॉफी मांगता और कहता है वैसे तुम्हारा फोन काम नहीं कर रहा, क्या बात है, मैं कब से पेट्रोल बंक से कॉल कर रहा हूँ। शार्लेट की समझ में नहीं आता दोस्तों वो क्या करे, क्योंकि जॉन उसकी हर बात को सुन रहा होता है और बड़े गौर से उसको देख भी रहा होता है, इसलिए वो कहती है हाँ लगता है कल रात को चूहे ने टेलीफोन का वायर काट दिया, सुबह से फोन काम नहीं कर रहा है मेरा।
पॉटर कहता है कि कोई बात नहीं, तुम्हें अगर कोई इमरजेंसी कॉल करना हो तो मेरे केविन का फोन यूज कर लो। शैरेट कहती है ठीक है फिर। दूसरी ओर दोस्तों, ग्रेविन शेरिफ के ऑफिस में जाकर उसे कॉफी देता है और बताता है कि आपकी वाइफ आपसे ये कहना चाहती थी कि वहाँ पेट्रोल बंक अभी तक नहीं आया, इसलिए कस्टमर्स ज्यादा होंगे और वो जरा बिजी होंगी। दोस्तों यही सुनकर शेरिफ को जरा शक हो जाता है, क्योंकि नॉर्मली अगर वो बिजी होती है तो इस तरह कॉल करके नहीं बताती कभी भी। फिर भी दोस्तों आज इस बात पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देता। इसी बीच हाईवे पर एक और कार को दिखाते हैं जिसमें एक यंग कपल है। आदमी का नाम है निक और औरत का बरबारा। इनकी बातों से लगता है कि ये लोग लुटेरे इन द मेकिंग हैं दोस्तों, मतलब चोर बनने की कोशिश कर रहे हैं। इनके पास पैसे नाम की कोई चीज नहीं है और अगले वक्त का खाना कैसे आएगा ये इनको खुद पता नहीं। अचानक निक कार को पेट्रोल बंक की तरफ घुमाता है तो बरबारा पूछती है हाथ में एक भी पैसा नहीं है, फिर पेट्रोल कैसे भरवाओगे। और दोस्तों तब वो उस ग्रीन कार की ओर इशारा करता है। यहाँ पता चलता है कि इन दोनों ने भी रेडियो पर बैंक रॉबरी के बारे में सुना था और वो जान गए थे कि ये रॉबर्ट्स की ग्रीन कार है जिसके पीछे का पार्ट डैमेज्ड है। तो दोस्तों वो एक रॉड से चुपचाप उस ग्रीन कार की डिक्की को खोलने की कोशिश करते हैं, पर इतने में वॉल्टर मोटेल के बाहर निकलता है तो वो दोनों तुरंत उस रॉड को गाड़ी के नीचे छुपा देते हैं। अब जो वॉल्टर था वो इन्हें भी कस्टमर समझकर वही रट लगाता है कि देखो पेट्रोल ट्रक आने में बहुत देर लगेगी, कम से कम एक घंटा लग जाएगा, आपको वेट करना पड़ेगा, इसलिए आप एक काम कीजिए, वहाँ मोटेल है हमारा, वहाँ पर वेट कीजिए। वो भी दोस्तों जाकर बैठ जाते हैं। पर दोस्तों ये जो निक है ना, ये जॉन और ट्रेविस को देखकर बरबारा से कहता है कि मुझे तो लगता है कि वो दोनों रॉबर्ट्स यही हैं। बरबारा कहती है क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, वो बुजुर्ग कपल भी तो रॉबर्ट्स हो सकते हैं, आजकल तो बूढ़े लोग भी यही सब करते हैं। पर दोस्तों फिर वो जिम को देखकर कहती है वो देखो देखो वो एकदम चोर लग रहा है। असल में दोस्तों इन दोनों का प्लान यह है कि उन रॉबर्ट्स का पता लगाकर ये लोग उनके पैसे लूटना चाहते हैं। और तब वहां पर एक और कैरेक्टर आता है जो दिखने में काउबॉय लगता है। वो शार्लेट से पूछता है कि अरे मैडम आज तो आपके मोटेल में बड़ी भीड़ है। वो भी कहती है हाँ आज पेट्रोल ट्रक आने में जरा लेट हो गया, सभी यहीं पर वेट कर रहे हैं, वैसे आप क्या खाना चाहेंगे। पर दोस्तों इसकी बातों से जॉन गैस कर लेता है कि ये यहाँ का रेगुलर कस्टमर है एंड वो आकर काउबॉय के पास बैठ जाता और पूछता है क्या आप भी पेट्रोल भरने आए हैं। वो कहते नहीं तो मैं तो रोज यही खाना खाने आता हूँ, यहाँ का खाना बड़ा टेस्टी जो है। इस पर जॉन कहता है कि मतलब आपकी कार में बहुत पेट्रोल होगा। वो भी कहता है कि हाँ मैंने टैंक फुल करवाया था, अभी भी मेरा पेट्रोल लगभग फुल ही है। बस दोस्तों ये जानकर जॉन फैसला करता है कि मिल गया बकरा, आज तो इसी की कार में बचकर निकलेंगे यहाँ से। एंड उसके बाद मोटेल में एक सॉन्ग बजता है और उस सॉन्ग के साथ साथ इस मोटेल में बैठे हर कैरेक्टर को स्लो मोशन में दिखाने लग जाते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है शार्लेट, जो कि इस इलाके की शरीफ की वाइफ है। वो इन क्रिमिनल्स को बचने कैसे देगी भला। तब वो एक प्लान बना लेती है और एक चाकू निकाल कर रख लेती है और पहले तो काउबॉय को खाना भी देती है। उसके बाद वो खाना लेकर जॉन के टेबल की ओर चलने लगती है। जॉन समझ जाता है कि शार्लेट ने जरूर कोई प्लान बना लिया है, इसीलिए वो अचानक शार्लेट को गन पॉइंट पर लॉक कर देता है। दूसरी ओर ट्रेविस काउबॉय को गन पॉइंट पर पकड़ लेता है। वो काउबॉय को धमकाता है कि देखो देखो हम तुमसे कोई दुश्मनी नहीं चाहते, हमें बस तुम्हारी गाड़ी चाहिए, तुम अगर वो हमें दे दोगे तो हम किसी को कुछ नहीं करेंगे। पर काउबॉय तो काउबॉय है, वो डरेगा थोड़ी। वो झट से अपनी गन निकाल कर इन पर एम कर देता है। ये देखकर अगले सेकंड वहां पर बैठा हर कोई गन निकाल कर दोस्तों इन पर तान देता है। लगता है इस इलाके में गन गन नहीं कंगी है जो हर कोई पॉकेट में लेकर घूम रहा है। यहाँ काउबॉय ने जॉन पर गन तान के रखा हुआ है और उस बुजुर्ग आदमी ने भी जॉन पर ही गन ताना है। लेकिन यहाँ पर खुलता है एक ट्विस्ट, निक काउबॉय पर एम करके खड़ा होता है। वो रॉबर्ट्स के साथ डीलिंग करता है कि मैं तुम लोगों की मदद करूंगा, लेकिन बदले में तुमने जो बैंक लूटा है उसमें हमें एक शेयर चाहिए। इस तरह दोस्तों अब रॉबर्ट्स को वो सपोर्ट कर रहा है। ये सुनकर तो वहाँ पर एक पल के लिए पूरी खामोशी छा जाती है, कब कौन क्या करेगा ये कोई नहीं जानता। और तब काउबॉय कहता है कि मैं अपनी गाड़ी की चाबी तुम्हें देने को तैयार हूँ, लेकिन शार्लेट को कुछ नहीं होना चाहिए। वो चाबी देने के लिए तैयार होता है, लेकिन इसी बीच शार्लेट होशियारी का काम समझकर एक गलती कर बैठी। वो चाकू निकालती है जिसे उसने अपने पास छुपा के रखा हुआ था और उसे झट से जॉन के प्राइवेट पार्ट में घोंप देती है और दर्द और गुस्से के कारण वो शार्लेट के सर पर शूट कर देता है और काउबॉय जॉन की गर्दन पर शूट करता है, जिसको देखकर निक और बरबारा काउबॉय पर शूट कर देते हैं। और इस तरह दोस्तों सभी एक दूसरे को शूट करने लगते हैं। इस अजीब शूटआउट में वो बुजुर्ग कपल मारे जाते हैं बेचारे, शार्लेट भी मारी जाती है, निक भी मारा जाता है। अब सिर्फ जिम, बरबारा और ट्रेविस को कोई चोट नहीं आई, वो बचे हुए हैं। जॉन जिंदा तो है पर उसके गर्दन में बुलेट उतर चुकी है और वो एक कोने में बिल्कुल बैठा हुआ है। तभी ट्रेविस जिम पर गन तान देता है, लेकिन इतने में उसके शरीर को एक बुलेट चीर देता है। हाँ ये किसने शूट किया भाई, जरा देखें। और जब दोस्तों हम ये सोच ही रहे होते हैं तभी वहाँ पर होती है वॉल्टर की मास एंट्री। उसके हाथ में एक शॉटगन होता है जिससे वो ट्रेविस को लगातार शूट करके उसके भुन्नी बना देता है दोस्तों। पर वो साइड में बैठे जॉन को नहीं देखता जो गर्दन में बुलेट लिए गुस्से में बैठा है एंड वो झट से वॉल्टर को शूट कर देता है। मोटेल अब एकदम दोस्तों कब्रिस्तान लगने लगा है।
बारबारा इस मौके का फायदा उठाना चाहती है और नीचे पड़ी गन उठाकर जिम को खत्म करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन आखिरी वक्त में वो उसे शूट नहीं कर पाती। लगता है ट्रिगर अटक चुका है एंड बहुत कोशिश के बाद भी उसकी गन शूट नहीं करती। जिम कहाँ चुप रहने वाला था, क्योंकि हीरो है अपना, क्योंकि वो एक तरफ से चाकू वाला भी तो ठहरा। तो वो अपना एक चाकू बारबारा पर खोप देता है और गन जिम के हाथ में आ जाती है। इस तरह बारबारा मारी जाती है। जिम के अलावा सिर्फ जॉन जिंदा बचा है और जिम उस पर अब चाकू खोपता है तो वो भी मर जाता है। और अब जिम हाथ में गन लिए मोटेल के अंदर देखने लगता है तो वो बहुत ही डिस्टर्ब होता है, क्योंकि उसके चारों ओर लाशें पड़ी है, लाशें। बट उसको तसल्ली होती है कि कम से कम मैं तो बच गया। एंड वो अपना सिगरेट लाइट करता है और पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए वॉल्टर के केबिन में जाता है, जहाँ पर टेलीफोन है। वो पुलिस का नंबर डायल भी कर देता है और एक रिंग भी चली जाती है। लेकिन आखिरी वक्त में जिम का इरादा बदल जाता है। उसे पता चल चुका था कि जॉन और ट्रेविस ने मिलकर उस बैंक से $7,00,000 लूटे हैं। ऐसा लगता है दोस्तों जिम को भी पैसों का लालच जकड़ चुका है। वो सोचता है कि पुलिस को बताऊंगा तो मुझे ही अंदर कर देंगे वो, तो क्यों ना मैं उन रॉबर्ट्स का पैसा निकालूं और यहां से बच निकलूं। वैसे भी मुझे पैसों की बहुत जरूरत है और अगर मुझे $7,00,000 मिल गए तो मैं फिर से अपनी वाइफ और बेटी के साथ रह पाऊंगा। आई विटनेस तो वैसे भी यहां पर कोई है नहीं। और दोस्तों इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए वो चाहता तो काउबॉय की गाड़ी में यहां से निकल सकता था, लेकिन काउबॉय की गाड़ी भी अपने आप में एक सबूत बन जाएगा जिसके जरिए पुलिस जिम तक पहुँच पाएगी। इसलिए वो काउबॉय की गाड़ी से पेट्रोल निकालकर अपनी कार में भर लेता है और अपने वहाँ आने का हर छोटा छोटा एविडेंस मिटाकर वहाँ से निकल जाने का बढ़िया प्लान बनाता है। दूसरी ओर अपना शरीफ ग्रेविन से कहता है कि यार मेरी वाइफ को कॉल लगाओ, पर वो कहता है कि सर कॉल नहीं लग रहा, लगता है वहाँ का फोन डेड है। शरीफ कहता है तो वॉल्टर को कॉल लगाओ, पर सर उसका फोन तो बहुत देर से बज रहा है लेकिन कोई उठा नहीं रहा। ये सुनकर शरीफ को शक होने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ी हो गई है, इसलिए वो खुद चेक करने के लिए मोटेल की ओर निकलता है। दूसरी ओर दोस्तों जिम पैसे लेकर बचने का पूरा बंदोबस्त कर लेता है और जॉन की कार की चाबी ले जाकर वापस उसी के पॉकेट में रख देता है। फिर वो न्यूज़पेपर और शार्लेट का दिया हुआ केक जो उसने सारा के लिए दिया था वो सब उठाकर कचड़े के डब्बे में डाल देता है ताकि उसके खिलाफ कोई भी सबूत न रहे। ये सब करके वो निकलने वाला होता है कि वहाँ पर एक और कपल आ जाता है। अब ये देखकर जिम की हालत खराब हो जाती है, वो चुप बैठता है। वो कपल भी गाड़ी में पेट्रोल भरने के लिए आए थे लेकिन वहाँ किसी को न पाकर वो मोटेल के अंदर आ जाते हैं। बताओ यार वहाँ तो लाशें बिखरी पड़ी हैं, जिसको देखकर वो घबराकर सीधे पुलिस को कॉल करने जाते हैं। लेकिन तब जिम हाथ में गन लिए उनके सामने आकर कहता है पुलिस को मत बुलाओ, और वो समझते हैं कि ये सारे कत्ल जिम ने किए हैं। लेकिन जिम कहता है कि चिल्लाओ मत, मैंने ये कत्ल नहीं किए। वो दोनों घबरा जाते हैं कि ये जरूर हमें भी शूट करने वाला है। दोस्तों वो आदमी आखिरी बार अपनी वाइफ से कहता है कि सारा आई लव यू। दोस्तों सारा नाम सुनकर जिम गन नीचे कर देता है क्योंकि उसे अपनी बेटी की याद आ जाती है जिसका नाम भी सारा है। वो कहता है कि मैं तुम्हें शूट नहीं करूंगा, लेकिन प्लीज यहाँ जो कुछ हुआ उसके बारे में किसी को मत बताना, और मेरा हुलिया तुम लोग तो भूल ही जाना मैं बता रहा हूँ। मैं चुपचाप यहाँ से निकल जाऊंगा और मैं तुम्हें $10,000 भी दूंगा, तुम लोग प्लीज अपना मुंह बंद रखना। इतनी बड़ी रकम सुनकर वो भी मान जाते हैं। दोस्तों अब जिम उन्हें पैसे देने के लिए डिकी खोलता है तो वो सारे पैसे देख लेते हैं और पूछते हैं ओहो तो क्या तुम ही वो रॉबर हो जिसने सुबह बैंक से $7,00,000 लूटे थे। अब जिम टेंशन में कह देता है कि हाँ मैंने लूटे और ये सारे कत्ल भी मैंने किए, अगर तुमने अपना मुंह खोला तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा भी। कहकर वो उन्हें डराने के लिए ऊपर शूट करता है, लेकिन लगता है गन खराब हो गई है। दोस्तों वो शूट ही नहीं करती और अब उस आदमी में हिम्मत आ जाती है, वो जिम पर झपट पड़ता है। लेकिन इस मुठभेड़ में अचानक ट्रिगर दब जाता है और इस बार गन से बुलेट निकल कर सीधे उस औरत को लग जाता है। मतलब ये जिम का दूसरा कत्ल है। अब वो आदमी जिम को इतना पीटता है और कहता है तुमने मेरी वाइफ को मार डाला। इनकी लड़ाई में दोस्तों जिम अंधाधुंध हर तरफ शूट करने लग जाता है तो एक बुलेट जिम की कार के पेट्रोल टैंक को लग जाती है और वो लीक होने लगता है। पर इस बात से बेखबर जिम कार के नीचे पड़े रॉड को उठाकर उस आदमी को पीट पीट कर उसकी जान ले लेता है। लेकिन जब ये तीसरा कत्ल भी करके उठता है ना दोस्तों, तो उस कपल के कार के अंदर से एक बच्चे की रोने की आवाज आती है। जिम चौंक जाता है और तब पता चलता है कि उस कपल की गाड़ी में एक नन्ना सा बच्चा है जो उसी कपल का बच्चा है। जिम दोस्तों अपने आप से बहुत परेशान हो जाता है और चौंक भी जाता है। और यहाँ हमें भी लगता है कि पैसों के लालच में जिम ने कुछ ज्यादा ही कर दिया, मतलब उसने मासूमों की हत्या कर डाली पैसों के लिए। और जब हम ये एक्सपेक्ट कर ही रहे होते हैं कि जिम को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा और वो इस बच्चे को बचा कर ले जाएगा, तो जिम हमारी सारी एक्सपेक्टेशंस पर मिट्टी मिलाकर उस बच्चे को वहीं कार में छोड़कर पूरे पैसे लेकर अपनी गाड़ी में चला जाता है। और तभी वहां पर शरीफ की गाड़ी आती है जिसमें शरीफ और ग्रेविन आते हैं।
वहां दो लाशों को देखकर वो घबरा जाते हैं और अंदर खून से लथपथ इतनी लाशें देखकर उनकी हालत खराब, खासकर अपनी वाइफ की लाश को देखकर शरीफ फूट फूट कर रोता है। फिर वो एकदम नॉर्मल पुलिस वाले की तरह गैस करने की कोशिश करता है कि यहाँ पर क्या क्या हुआ होगा। वो बरबारा की गर्दन पर खोपा हुआ चाकू देखता है, फिर बाहर आकर रॉबर्ट्स की ग्रीन कार को देखता है जिसके पीछे का हिस्सा डैमेज है। वो गैस करता है कि जरूर रॉबर्ट्स ने ही ये सब कुछ किया है। वो कार की डिक्की खोलता है लेकिन उसमें पैसे नहीं होते। वो वहीं बैठकर सोचने लगता है कि यहाँ पर क्या क्या हुआ होगा। तभी किसी गाड़ी के पेट्रोल लीक होने का निशान देखकर वो समझ जाता है कि जिस गाड़ी में रॉबर्ट्स निकले होंगे उसका पेट्रोल टैंक लीक कर रहा था। तभी उसे उस बच्चे की आवाज आती है। वो तुरंत उस कार को खोलकर उस बच्चे को रेस्क्यू करके क्रेविन के हवाले कर देता है और लीक हुए पेट्रोल के ट्रैक को फॉलो करता है। दूसरी ओर दोस्तों जिम को दिखाते हैं जिसकी कार से बहुत सारा पेट्रोल लीक हो चुका है और एक जगह पर गाड़ी रोक भी जाती है। जिम तुरंत उतरकर पैसे वाला बैग निकालकर पैदल ही चलने का फैसला करता है और तब वो देखता है कि वहां पर एक ऑरेंज कलर का ट्रक उलट पड़ा है। दोस्तों ये वही पेट्रोल ट्रक है जिसका ये लोग इतने घंटों से इंतजार कर रहे थे। उसका एक्सीडेंट हो गया था और ड्राइवर भी मर चुका था और यही ट्रक मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया गया था। अब अगर ये एक्सीडेंट नहीं होता और ट्रक ठीक टाइम पे पेट्रोल बंक पर पहुंच जाता तो शायद ये मूवी होती नहीं, लेकिन किस्मत का खेल है, उसे कौन रोक सकता है। जिम अब सोच में पड़ जाता है कि इसमें से थोड़ा पेट्रोल लेकर मैं अपनी गाड़ी में डालकर यहाँ से निकल सकता हूँ। लेकिन दोस्तों तभी उसे पुलिस कार का सायरन सुनाई देता है। जिम तुरंत छुप जाता है लेकिन शरीफ गन तानकर जिम की ओर ही आता है। इसके बाद दोस्तों वो जिम का चाकू वाला बॉक्स देख लेता है और समझ जाता है कि इसी बॉक्स के चाकू से मोटेल में एक लड़की की मौत हुई थी, तो ये बॉक्स और कार जिसकी भी है वही कातिल है। तभी उसकी नजर उस पेट्रोल ट्रक पर पड़ती है, उसके ऊपर जिम खड़ा होता है। शरीफ उस पर अंधाधुंध शूट करने लगता है तो वो कहता है, प्लीज शरीफ मेरी बात सुनो, वहाँ जो कुछ हुआ उसका मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, सारे कत्ल रॉबर्ट्स ने किए थे, मैं तो सिर्फ उनके पैसे लेकर भाग रहा था, प्लीज मुझ पर विश्वास करो। पर शरीफ कहता है कि तुम्हारा चाकू मोटेल में एक लड़की की गर्दन पर खोपा हुआ था और तुम ही ने मेरी वाइफ को भी मार डाला होगा, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शरीफ बहुत ही गुस्से में होता है लेकिन इसी बीच जिम ठान लेता है कि अगर यहां से जिंदा बचना है तो शरीफ का भी कत्ल करना पड़ेगा। वो देखता है कि पेट्रोल ट्रक के गिरने की वजह से हर तरफ पेट्रोल फैला हुआ है। इसका फायदा उठाकर जिम एक लाइटर जलाकर वहां डाल देता है और तेजी से ट्रक से दूर भागने लगता है, पर शरीफ उसे लगातार शूट करते हुए पेट्रोल ट्रक की ओर ही बढ़ रहा होता है। हालांकि जिम किसी तरह उसके बुलेट से बचकर तो भाग जाता है। इतने में आग उस पेट्रोल ट्रक पर पहुंच जाती है और उसका पूरा पेट्रोल जलने लगता है और आखिर में होता है बहुत बड़ा ब्लास्ट जिसमें शरीफ मारा जाता है। इतने कांड करने के बाद क्या जिम फाइनली पैसे लेकर बच निकला? इस सवाल के जवाब में दोस्तों आता है एक ट्विस्ट। असल में शरीफ ने जो लगातार शूट किया था उसमें एक बुलेट जिम के पेट में लग गई थी, जिससे जिम अभी नोटिस करता है। बहुत सारा खून बह जाता है लेकिन फिर भी जिम एक हाथ को पेट पर रखकर दूसरे हाथ में पैसों का बैग लिए वहां से चलने लगता है। लेकिन अब तक बैग भी फट चुका था और करेंसी नोट्स धीरे धीरे हवा में उड़ने लग जाते हैं। पर दोस्तों जिम 10 कदम भी नहीं चल पाता और एकदम से गिर जाता है, यहीं पर उसकी हो जाती है मौत। लेकिन ये सब कुछ देख रही होती है एक चिड़िया, जिसे मूवी की शुरुआत में उस पेट्रोल पंक में भी दिखाया गया था। उस चिड़िया पर कैमरा फोकस कर ही रहा होता है कि अचानक आसमान से एक चील आकर उस चिड़िया को मार कर उठा ले जाता है। और यहाँ बताया गया है दोस्तों कि यही प्रकृति का नियम है, कोई यहाँ शिकार है तो कोई शिकारी। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। वैसे इंसान चाहे अपने फायदे के लिए कितनों का ही शिकार क्यों ना कर ले, लेकिन वो खुद एक दिन शिकार है जरूर बन जाता है। दोस्तों अगर इन फिलोसफिकल बातों को साइड में रख दें तब भी ये मूवी सराहनीय है, क्योंकि इस कहानी का ज्यादातर हिस्सा एक छोटे से मोटेल में सीमित है दोस्तों। लेकिन देखा आपने कहानी कहीं पर भी ढीली नहीं पड़ी, हर एक पल में थ्रिल जरूर आया होगा आपको। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इंस्टाग्राम मिस्टर रॉकर 64 को भी फॉलो करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखिएगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।